अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ताहा टीवी की तरफ से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इस बार दोस्तों मैं आपके लिए 7 बहुत ही कूल टिप्स जो है वो कंप्यूटर की लेके आया हूँ दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली जो टिप है हाइड ए ड्राइव। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी ड्राइव जो होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा है, आप चाहते हैं उसे को छेड़े ना, तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद मैनेज पे क्लिक कर दी, ठीक है ना। तो मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्क मैनेजर मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप जिस भी ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए और चेंज ड्राइव लेटर्स इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिमूव के बटन पर क्लिक कर दीजिए, यस प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपकी ड्राइव जो है वो हाइड हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी 4 ड्राइव सी एक जो है वो हाइड हो चुकी है इनमें से। अगर आप इसे वापस आना चाहते हैं फिर से मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद आप डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप उस ई ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर और ऐड प्रेस कर दीजिए। ऐड प्रेस करने के बाद ओके कर दीजिए और आपकी ड्राइव जो है वो ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो टिप है दोस्तों, आप किसी भी फाइल को ठीक है ना, किसी भी वीडियो फाइल या फिर कोई भी फाइल होगी आप उसको कैसे हाइड कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस पिक को जो है वो हाइड करता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो हिडन का ऑप्शन मिल जाएगा, हिडन में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको जाना है ऑर्गेनाइज में, ऊपर ऑर्गेनाइज में आपको फोल्डर ऑप्शन मिल जाएगा, व्यू पे जाइए और यहाँ पे डोंट शो कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपकी फाइल जो है डोंट शो हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप फिर से शो करना चाहते हैं तो फोल्डर ऑप्शन में जाइए, व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है वापस आ चुकी है। तो अगर आप इसे हाइड नहीं करना चाहते तो इसे अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तीसरी जो है वो है शो डेस्कटॉप आइकन विदाउट शॉर्टकट। दोस्तों कई बार होता है कि हमारे डेस्कटॉप के आइकन जो है हम वो उसे स्टार्ट मेन्यू में सर्च मार के जो है सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। दोस्तों अगर आप इसे बिल्कुल सही तौर पर जो बनाना चाहते हैं अपने पर्सनैलिटी में जाए और यहाँ पे चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कीजिए, इन पे सब पे चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आप जैसे ओके प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो है वो ये देखिए, आपके सामने सारे आइकन जो है मेरे आ चुके हैं। तो दोस्तों चौथी टिप जो है वो ये है कि आप किसी भी फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर को, चलिए मैं जो है वो नया फोल्डर जो है क्रिएट कर लेता हूँ। नया फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसकी राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कस्टमाइज में जाना है, उसके बाद चेंज आइकन पे क्लिक कर देना है। चेंज आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे आइकन आ सकते हैं, आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप अपना चूज करना चाहते हैं ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ आइकन पड़े होंगे, शायद यहाँ पर ये तो यहाँ से मैं कोई आइकन जो है वो ले लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे आइकन मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लेकर ओके कर देता हूँ और फिर से ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आइकन जो है वो चेंज हो चुका है। दोस्तों पांचवी टिप जो है रिमूव हिस्ट्री। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री को ना देख पाए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रिसेंट प्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी सारी जो है वो हिस्ट्री आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, राइट क्लिक करके टास्क बार में, यहाँ पे दोस्तों VLC में दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो सी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं सब आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, इन दोनों को अनचेक करके ओके कर देना है। अनचेक करके आपको ओके करना है, जैसे तो आपकी दोस्तों हिस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिलीट हो जाएगी, उसके बाद कभी भी जो है वो नहीं बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 6वीं टिप जो है वो है आप मैग्नीफायर को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नीफायर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है मैग्नीफायर आ चुका है, आप इस पर क्लिक करके जो है मैग्नीफायर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैग्नीफायर जो ओपन कर हो चुका है। दोस्तों मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और 7वीं टिप जो है दोस्तों, आप माउस के पॉइंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर माउस के पॉइंटर को आप चेंज करना चाहते हैं माउस के आइकन को, तो आप इस पर पर्सनलाइजेशन में जाइए। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा चेंज माउस पॉइंटर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप माउस के पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं जो है वो डिफॉल्ट ही रख लेता हूँ। ओके प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।